हेलो एवरीवन, दिस इज सूफिया एंड वेलकम बैक टू द सूफियाज बायोलॉजी। इथोलॉजी का एक टॉपिक है पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्टली मैं इस वीडियो में बिहेवियर के बारे में बताऊंगी एंड उसके बाद उसके कैटेगरीज जो है इननेट बिहेवियर उसके बारे में बताऊंगी, फिर स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में एंड उसके जो सब कैटेगरी है एक काइनेसिस उसके बारे में बताऊंगी एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मेटाक्सिस और अदर जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैटेगरी किस कैसे हुआ है, जिससे कि आगे वाले जो वीडियोज है उसमें हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। ओके, तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है टू कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है, इननेट, इनबॉर्न और स्टीरियोटाइप बिहेवियर। ये कैसा बिहेवियर होता है? ये हमारे बर्थ के समय से ही हमारे में प्रेजेंट होता है, ये हमारे अंदर इनबिल्ड होता है। ओके, ये क्या होता है? ये जो बिहेवियर है स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ये हेरिटेबल बिहेवियर होता है। ये पेरेंट्स टू दिस ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है। जो पेरेंट के अंदर बिहेवियर होता है वो सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर। एंड नेक्स्ट है एक्वायर और लर्न बिहेवियर। ये क्या होता है कि जो भी हमारे लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ टाइम में जो भी हम एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं उसे हम लर्न बिहेवियर या एक्वायर बिहेवियर कहते हैं। ये बिहेवियर एक इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन तक ही रहता है और ये ट्रांसफर नहीं होता है इसके आगे वाले ऑफस्प्रिंग में। इट्स मींस ये इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में लर्न करता है और उसके लाइफ स्पैन तक ही ये बिहेवियर रहता है। ओके, एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर फर्दर सब कैटेगराइज्ड है सब स्पेशल ओरिएंटेशन में, रिफ्लेक्स में, इंस्टिंक्ट में एंड मोटिवेशन में। ओके, स्पेशल ओरिएंटेशन फर्दर इन्हें सब डिवाइड किया गया है काइनेसिस और टैक्सिस में। टैक्सिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम काइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। काइनेसिस के फर्दर भी और आगे सब डिवाइड है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नेचर ऑफ द स्टिमुलस। बिहेवियर क्या है? स्टिमुलाई के रिस्पांस में एक ऑर्गेनिज्म का क्या वे है उसे ही हम बिहेवियर कहते हैं। ओके, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो बिहेवियर एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस का। ओके, ये स्टिमुलस क्या? स्टिमुलस सिग्नल है जो कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल सिग्नल बोले तो जैसे थर्स्ट है, पेन है, हॉर्मोन्स है। जैसे हम समझ सकते हैं कि थर्स्ट है, थर्स्ट क्या एक सिग्नल है, ये स्टिमुलाई है। ओके, ये सिग्नल कैसे काम करता है, इस एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें थर्स्ट लगी तो ये क्या सिग्नल भेजेगा कि लॉस ऑफ बॉडी फ्लूड, तो इससे एनिमल क्या करेगा, इट कॉजेज एनिमल टू लुकिंग फॉर द वाटर। ये लुकिंग फॉर द वाटर क्या हुआ, ये वे हुआ किसके सिग्नल में, थर्स्ट के सिग्नल में। तो इसका थर्स्ट के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, उसका पानी की तरफ जाना या पानी पीना, वो उसका क्या हुआ, एक वे हुआ, उसे बिहेवियर कहते हैं। ओके, और एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में से साउंड है, हीट है। ओके, साउंड से प्रेडेटर की अगर साउंड आ रही है तो एनिमल क्या करेगा, हाइड कर लेगा या फिर वहां से भाग जाएगा ताकि प्रेडेटर उसे पकड़ ना पाए। ओके, तो ये जो बिहेवियर है, ये स्टिमुलस जो है साउंड, उसके रिस्पांस में वो उस पर वो क्या रिस्पॉन्स किया, हाइड किया खुद को या फिर भाग गया, तो ये क्या उसका बिहेवियर हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे, इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो उसका वे भागने का उसे बिहेवियर कह दी। ओके, ये बिहेवियर क्या है, एज वी डिस्कस अर्लियर कि बिहेवियर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को दो कैटेगरीज में बांटा गया, इननेट, इनबॉर्न एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर जिसे कहते हैं। ये एक्वायर्ड बिहेवियर और लर्न बिहेवियर। ओके, जो एक्वायर्ड बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। ओके, तो इननेट, इनबॉर्न एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या होता है? इननेट इन बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर, स्टीरियोटाइप बिहेवियर सब एक ही होता है, किसी कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये बिहेवियर क्या होता है, इसके साथ ही ऑर्गेनिज्म बिहेवियर विद विच अ ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न। ये क्या होता है कि इस बिहेवियर के साथ ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बॉर्न होता है। एग्जाम्पल देख लेते, जैसे डांसिंग ऑफ पीकॉक, स्माइलिंग, क्राइंग, यॉनिंग इन ह्यूमन, सकलिंग ऑफ द मिल्क बाय बेबीज, ये क्या है, ये सिखाना नहीं पड़ता, ये बाय बर्थ जो है एनिमल में प्रेजेंट होता है। अगर ये अपने पेरेंट्स के साथ ना भी रहे तो फिर भी ये जानते हैं कि इन्हें ये सब कैसे परफॉर्म करना है। ओके, एंड इननेट बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। तो स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या होता है, ये हेरिटेबल होता है। इट्स मींस जो भी ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इसे ही बोलते हैं हेरिटेबल बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, इट इज ए स्पेसिफिक
स्पीसीज स्पेसिफिक, ये हर स्पीसीज का एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है. ओके, एंड जितने भी मेंबर है तो स्पीसीज के वो सेम बिहेवियर परफॉर्म करते हैं. ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. जो स्ट्रीट टाइप बिहेवियर क्या होता है, रिजिड होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते. ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स कुछ और बिहेवियर उनका है तो उसमें थोड़ा चेंजेस लाके ऑफस्प्रिंग परफॉर्म करेंगे, नहीं. जैसे पेरेंट्स का होता है हूबहू जो ऑफस्प्रिंग है वही बिहेवियर परफॉर्म करते हैं. इट इज एंडोजेनस. ये क्या होता है, बॉर्न के वक्त बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है. जैसे नेस्ट बिल्डिंग, स्पाइडर का वेब बनाना, ये क्या होता है अगर इन एनिमल्स को अगर अपने पेरेंट्स के साथ ना भी अगर हम कहीं आइसोलेट कर दें और इसकी स्पीसीज के मेंबर के साथ इन्हें ना रखें तो भी हम देखेंगे कि इनका जो नेस्ट बनाने का तरीका है, स्पाइडर जो वेब बनाते हैं, ये सारा उनके जो भी स्पीसीज के मेंबर्स हैं उनके से पूरा हूबहू मिलता है. ओके, स्टीरियोटाइप बिहेवियर है जो क्लासिफाइड फर्दर किया गया है स्पेशियल ओरिएंटेशन में. ये क्या होता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक एनिमल जो अपना पोजीशन है चेंज करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक स्टिमुला के रिस्पांस में, उसे कहते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन. ओके, एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या है, फर्दर डिवाइड किया गया है काइनेसिस में. तो काइनेसिस क्या है, काइनेसिस जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन है. काइनेसिस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन होता है. यह क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. एंड पे जो डायरेक्शन है उस पर मूवमेंट नहीं करता. ये क्या करता है कि स्टिमुलस का क्या इंटेंसिटी उसके प्रोपोर्शन पे एनिमल क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, अपने मूवमेंट शो करता है. ओके, तो काइनेसिस क्या है, फर्दर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स काइनेसिस डिवाइड हुआ है. एंड जो फर्स्ट है ऑर्थोकाइनेसिस. ऑर्थोकाइनेसिस क्या है, ये सिंपल टाइप ऑफ ये कैसा काइनेसिस है, इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ लोकोमोशन इसका चेंज होता है एनिमल का. ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लेते, वुड लाइस क्या करता है कि जो मूव करता है एक्टिवली अंडर द डैम साइड ऑफ द लॉग्स या स्टोन के वैन जब ह्यूमिडिटी लेवल लो होता है. ओके, बट क्या होता है कि जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज कर जाता है, हाई हो जाता है, तो वो क्या होता है, लेस एक्टिव हो जाते हैं. ये जो स्टिमुलस है इनका ह्यूमिडिटी के कंडीशन का, मतलब स्टिमुलस का इंटेंसिटी से हाई होना और लो होना, तो ये क्या हो गया, उसके मूवमेंट को शो कर रहा है कि वो किस स्पीड से उनका लोकोमोशन है. जैसे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में क्या होता है, वो लेस एक्टिव होते हैं, इनका लोकोमोशन क्या होता है, स्लो हो जाता है. और अंडर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में क्या होता है कि वो हाईली मूव कर एक्टिवली मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्लिनोकाइनेसिस. ये क्या होता है, जैसे स्टिमुलस की इंटेंसिटी इंक्रीज करता है तो इसमें क्या होता है, एनिमल का जो डायरेक्शन का जो चेंज ऑफ द डायरेक्शन है एनिमल का, उसके रेट में इंक्रीज हो जाता है. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पैरामीशियम एग्जिबिट अ चेंज ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट इन रिस्पांस टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द CO2. ओके, एंड जो ये काइनेसिस है ये फर्दर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टिमुलस. ओके, तो इसमें फर्स्ट है फोटोकाइनेसिस. फोटोकाइनेसिस क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी. इसमें क्या होता है, लाइट जो स्टिमुलस है उसके इंटेंसिटी के चेंज के रिस्पॉन्स में एनिमल क्या करता है, अपने जो मूवमेंट होता है बॉडी के मूवमेंट के वेलोसिटी में चेंजेस ले आते हैं. ओके, इसका एग्जाम्पल है, फोटोकाइनेसिस इज कॉमन इन द टूनिकेट लार्वा विच एक्यूमुलेट इन एरियाज विद लो लाइट इंटेंसिटी जस्ट बिफोर द सेटलमेंट. ओके, एंड द नेचर ऑफ द स्टिमुलस के में एक और है हाइग्रोकाइनेसिस. इसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी के जो चेंजेस आते हैं, ह्यूमिडिटी के चेंजेस की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने मूवमेंट के जो रेट होते हैं ना उसमें चेंजेस ले आते हैं, उसे ही कहते हैं हाइग्रोकाइनेसिस. अगर आप आगे की वीडियो चाहते हैं कि मैं आगे की वीडियो बनाऊं तो प्लीज लाइक करके मुझे बताएं और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.